पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में कई पर्यटक फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। वहीं वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से आज 41 लोगों के साथ ही महाराष्ट्र के एक पर्यटक के शव को भी पिथौरागढ़ लाया गया। वहीं पिथौरागढ़ पहुंचे पर्यटकों ने वायुसेना के साथ ही उत्तराखंड सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ऊंचाई वाले इलाकों में फंसने पर जिला प्रशासन ने उनकी हर संभव मदद की है। वहीं पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किए जाने का अभियान जारी रहेगा।